हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग्य, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मानहानि करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अखिलेश यादव ने जिस सरकारी बंगले को खाली किया था वो टूटी फूटी हालत में मिला है। माना जा रहा है कि टीपू सरकारी बंगला छोड़ने से इतना नाराज थे कि उन्होंने बंगले का समाजवाद कर दिया। मीडिया में यह खबर दिखाए जाने के बाद अखिलेश ने अब जाकर सफाई दी है कि घर को नुकसान पहुँचाना उनका इरादा नहीं था, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए उनके प्राइवेट ज्योतिषी ने कहा था। माइंड द न्यूज से बात करते हुए अखिलेश ने बताया कि देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी झूठ नहीं बोलते। मेरे पर्सनल ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे सर पर बुरी शक्तियों का साया है, इसलिए तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हो। इसलिए नए घर में जाने से पहले पुराने वाले की बैंड बजा देना, तभी इस बुरे साये से तुम्हारा पीछा छूटेगा। फिर क्या था, उनके बताए रास्ते पर चलते हुए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर दिया। अब आप तो मेरे बंदों को जानते हो, उन्होंने अपने हिसाब से काम कर दिया। बस इतनी छोटी सी बात पर लोग हल्ला मचा रहे हैं, अखिलेश ने लापरवाही से कहा। जब से नए घर में आया हूँ थोड़ा ठीक लग रहा है। ममता दीदी भी एक बार में फ़ोन उठाती है, ठाकरे अंकल भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बुआ को तो मैंने मनाना ही भूल गया। लगता है महागठबंधन का नेता मैं ही बन जाऊंगा, कहते हुए टीपू ख्यालों में खो गए। आप पर किनका बुरा साया है, ऐसा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि देखिए, हम खुलेआम उनका नाम नहीं ले सकते, अमित शाह और शिवपाल चाचा नाराज हो जाएंगे। उधर सूचना मिली है कि अखिलेश के पर्सनल ज्योतिषी बेजान गांजा वाला जी अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। आखिरी बार उन्हें सपा दफ्तर के बाहर साइकिल चलाते हुए देखा गया था, उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।